डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, 10th क्लास में जो मैथमेटिक्स है उसमें आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने 8 नंबर चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं उसके आगे के चैप्टर जिसका नाम है 9वां चैप्टर। 9वां चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है, ये हम लोगों का नाम है किसका, तो 9वें चैप्टर का। अब ये 9वां चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। दोस्तों, ये 9वां चैप्टर उन्हीं स्टूडेंट्स को समझ में आएगा जो पूरी तरीके से 8वां नंबर चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, यानी कि जो 8वां नंबर चैप्टर, 8 नंबर चैप्टर को अगर आप कंप्लीट किए होंगे तभी आपको 9 नंबर चैप्टर समझ आएगा। क्लियर। अब 9 नंबर चैप्टर में हम लोगों को यहाँ पे देख पा रहे होंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, नाम ही है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब आखिर जो त्रिकोणमिति में आप पढ़े हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी, उसका हम लोग यहाँ पे प्रयोग देखेंगे कि आखिर उसका प्रयोग किस प्रकार करेंगे या कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि अगर किसी भी वस्तु को अगर हम अपने नेत्र से देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु के आधार पर हम लोग कौन कौन से बात को सीखेंगे, जरा नोट कीजिए। तो पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट ये कि अगर मान लिया कि अगर आपका नेत्र ये है, ठीक है, अगर आपका ये नेत्र है, अगर नेत्र से सीधा अगर आप देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर नेत्र से आप बिल्कुल एकदम स्ट्रेट सामने, आँख के सामने अगर देखते हैं दोस्तों, उसको कहा जाता है क्षैतिज रेखा या क्षैतिज दृष्टि, क्षैतिज दृष्टि। समझ में आ रहा है, क्षैतिज दृष्टि कब बोलेंगे, जब बिल्कुल सीधा देखेंगे आँख से, बिल्कुल नेत्र से अगर सीधा देखेंगे तब उसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज दृष्टि। क्या बोलते हैं उसको, क्षैतिज दृष्टि। क्षैतिज दृष्टि के अलावा कभी भी अगर ऊपर या नीचे देखते हैं तब हम उसको दृष्टि रेखा कहते हैं, यानी कि जो हम लोगों का नेत्र है, नेत्र से अगर हम लोग अपनी आँख से अगर किसी भी रेखा को सीधी स्तर में देखते हैं तब उसको हम लोग क्षैतिज दृष्टि कहते हैं। ठीक है, या फिर अगर क्षैतिज दृष्टि से ऊपर और नीचे अगर किसी भी दृष्टि को अगर देखेंगे तब हम उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं उसको, दृष्टि रेखा। जैसे मान लिया कि अगर हम लोगों का ये नेत्र है, ठीक है, अब अगर इसमें हम लोग अगर बिल्कुल सीधा अगर देखेंगे, ठीक है, ये हम लोगों को क्षैतिज स्तर हो गया, ये तो अगर हम लोग सीधा देखते हैं तब इसको क्षैतिज स्तर बोलते हैं, लेकिन इस क्षैतिज स्तर से या तो आप ऊपर देख पाए या तो आप नीचे देख पाए, यानी कि या ऊपर देख पा रहे हैं या फिर नेत्र को आप नीचे देख पा रहे होंगे, नेत्र को नीचे करके देख पाएंगे तब हम इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि, दृष्टि रेखा। ठीक है, तो दृष्टि रेखा किसको कहते हैं, तो ये तो मेरा क्षैतिज हुआ ना, ये क्या हुआ, क्षैतिज। अगर क्षैतिज से ऊपर और नीचे अगर आप देखते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, तब हम उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, यानी कि आप याद रखिएगा कि हम लोग
अगर बिल्कुल आंख के सीधा सीधी देखते हैं तब वो कहलाता है क्षैतिज दृष्टि, अगर उससे ऊपर और नीचे देखते हैं तो वो कहलाता है दृष्टि रेखा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जिसका नाम है नंबर टू। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु में पहला था हम लोग समझ रहे थे क्षैतिज दृष्टि और दृष्टि रेखा को, फिर दूसरा में हम लोग सीखेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है। याद रखिएगा उन्नयन उन्नयन कोण, एक आता है हम लोगों का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा कि अगर मान लिया हमारा नेत्र है, यहाँ पे हमारा नेत्र है और इस नेत्र से हम लोग अगर सीधा देख पाते हैं तब तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज, तब इसको क्या बोलते हैं क्षैतिज दृष्टि। लेकिन हम अपने आँख से अगर ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते हैं तो क्षैतिज दृष्टि और दृष्टि रेखा के बीच की अगर कुछ जो कोण बनेगा, दृष्टि रेखा के जो बीच कोण बनता है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। यानी कि उन्नयन कोण कब होता है, तो जब हम किसी भी वस्तु को सामने देखते हैं बिल्कुल सीधा देखते हैं तब वो तो क्षैतिज कहलाता है, अगर उसको किसी कोण से ऊपर देखा जाए तो ऊपर देखने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, ऊपर देखने के लिए याद रखिएगा उन्नयन कोण का इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग ऊपर देखते हैं तो वो हो जाता है उन्नयन कोण। ठीक है, वो कौन सा क्यों कोण होता है, उन्नयन कोण। अच्छा मान लिया जाए कि आप अगर बहुत ऊपर बिल्डिंग पे हैं, ठीक है ऊपर जो हैं आप बिल्डिंग पे हैं और ऊपर बिल्डिंग से आप देख पा रहे हैं, जैसे मान लिया कि आप अगर छत पे चढ़कर नीचे रोड पे अगर आप देखते हैं तो आपको आँख को कहाँ गड़ाना पड़ता है, नीचे ऊपर या बिल्कुल सीधा, तो आँख को आप थोड़ा सा नीचे करते हैं तभी ना नीचे की वस्तु को देख पाएंगे। तो अगर आप छत पे हैं और वहाँ से अगर आपका सीधा अगर बात किया जाए तो सीधा तो ये हुआ, इसको हम लोग सीधा वालों को बोलते हैं क्षैतिज दृष्टि, क्षैतिज दृष्टि। लेकिन यहाँ से जब आप नीचे देख पाते हैं दोस्तों, जब आप नीचे देख पाते हैं तब वो नीचे जब देख पाएंगे तब इसके बीच का जो कोण बनता है उसको कहते हैं अवनमन कोण। याद रखिएगा तब उसको क्या बोलते हैं, दूसरा में हम लोग उन्नयन कोण के बारे में सीखें और अवनमन कोण के बारे में सीखें। तो याद रखिएगा उन्नयन कोण कब होता है, फिगर से आप ड्रॉ कीजिएगा, फिगर बिल्कुल ज़रूरी है। यानी कि ये जो चैप्टर हम लोग शुरू किए हैं इसमें फिगर का इम्पोर्टेंट रोल है, फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि फिगर से ही आपको सभी चीज़ें पता होगा। तो उन्नयन कोण कब होता है, जब हमारा नेत्र क्षैतिज दृष्टि और ऊपर जब हम देखते हैं तब, क्योंकि नीचे भी देख रहे हैं तब पर भी तो ये दृष्टि रेखा ही कहला रहा है, ये क्या कहला रहा है दृष्टि रेखा, नीचे देखे चाहे ऊपर देखे दृष्टि रेखा कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग नीचे वाला का दृष्टि रेखा, यानी कि जब हम नीचे देखते हैं याद रखिएगा ओनमन, और जब हम नीचे से यानी आप जो है रोड पे हैं और आपका एक दोस्त दो तल्ला दो मंजिला भवन पे है, आप अपने दोस्त को दो मंजिला भवन वाले दोस्त को देखना है तो आप अपने आँख को ऊपर करेंगे, तो जब आप आँख को ऊपर करेंगे तो आपके बीच जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा। लेकिन अगर वो दोस्त आपको देखता है नीचे देखता है तो याद रखिएगा एक कोण बनता है जिसका नाम है अवनमन कोण। ठीक है, तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। अच्छा एक तीसरा चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं पाद बिंदु, तीसरा पॉइंट्स वाले को हम लोग सीख लेते हैं पाद बिंदु। अब पाद बिंदु कहाँ होता है, पाद बिंदु का मतलब किसी भी वस्तु का आधार। ठीक है, जैसे मान लिया कि आदमी का आधार या फिर किसी मीनार का आधार, तो पाद बिंदु का मतलब होता है आधार। पाद बिंदु का मतलब क्या हुआ, आधार। जैसे ये लैंग्वेज बोलता है, अगर मान लिया कि एक मीनार है या फिर एक झंडा है और झंडा का पाद बिंदु बोल रहा है, तो ये झंडा बना लीजिए और ये झंडा जो है
झंडा का पाद बिंदु कौन सा होगा? तो यही ना झंडा का आधार है, तो इसी आधार को हम लोग बोलते हैं पाद बिंदु। ठीक है, झंडा जहाँ पे गाड़ेंगे उस बिंदु को हम लोग कहेंगे पाद बिंदु, या फिर झंडा का ये आधार कहलाएगा। अगर मान लिया कि मीनार ही बनाए, ठीक है, मीनार का आधार, यानी कि अगर ये मीनार है, ठीक है, अगर ये मीनार है तो इस मीनार का अगर पाद बिंदु बोला जाए तो यही हो गया मीनार का पाद बिंदु। यानी कि पाद बिंदु का मतलब ही दोस्तों होता है कि मीनार का आधार या फिर किसी वस्तु का आधार। तो आप अभी सीखें कि क्षैतिज दृष्टि किसको कहते हैं, दृष्टि रेखा किसको कहते हैं, उन्नयन कोण और अनमन कोण क्या होता है। ध्यान रखिएगा, उन्नयन कोण जब हम ऊपर देखते हैं तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, ये क्षैतिज दृष्टि के बीच जो कोण है वो उन्नयन कोण बनेगा। कब? जब हम लोग ऊपर देखेंगे। तो क्षैतिज दृष्टि और दृष्टि रेखा के बीच में अगर वह कोण जब हम लोग ऊपर देखते हैं, सॉरी नीचे देखते हैं, ऊपर से नीचे, तब हम यहाँ पे अनमन कोण बनाते हैं। चलिए अब इस पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो देखिए। अगर हम लोगों को सवाल कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, अगर मान लिया कि एक आपको बोलेगा कि एक झंडा है, सवाल देखिए क्या बोल रहा है, झंडा है, ठीक है, तो आप एक झंडा बना लीजिए, एक झंडा है और झंडा से के पाद बिंदु तो ये कहलाएगा, झंडा के ये क्या है, पाद बिंदु। सवाल बोला कि झंडे के पाद बिंदु से, झंडे के पाद बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर, तो झंडा का पाद बिंदु यहाँ है तो 1 मीटर दूरी आप इधर बनाइए, चाहे तो इधर बनाइए किधर भी बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 मीटर का दूरी, तो झंडे के पाद बिंदु तो यहाँ है, अब वहां से 1 मीटर का दूरी यहाँ हो जाएगा, समझ में आ रहा है। झंडा का ये पाद बिंदु हुआ और झंडे के पाद बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति जो है इस झंडा को देखता है, ऐसे सवाल बोलेगा कि झंडे का पाद बिंदु से 1 मीटर की दूरी से एक व्यक्ति झंडे को देखता है तो 45 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर मान लिया कि अगर कोई व्यक्ति अगर 1 मीटर की दूरी से देखेगा तो यहाँ से ऊपर ना देख रहा है, 1 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ कौन है, व्यक्ति। देखो इस चैप्टर में ना आपको लैंग्वेज को समझना है, अगर आप लैंग्वेज समझ गए, भाषा समझ गए, उससे आपको फिगर बनाना है। अब फिगर बना लिए तो आपको सॉल्यूशन करना है। सवाल क्या बोला कि एक झंडा है, झंडे के पाद बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति उस झंडे को 45 डिग्री के कोण से देखता है, 45 डिग्री के कोण से देखता है, तो आप झंडे के ऊंचाई निकालिए, झंडे के ऊंचाई निकालिए। तो अब आपको क्या करना है, ये सोचना है कि अब हमको ये निकालना है, ये दिया हुआ है, तो जो एंगल दिया हुआ रहता है उसके सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, पिन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको जो है पी जो है निकालना है, समझ में आ रहा है, पी जो है निकालना है, और उसके नीचे वाला तो बेस हो गया, ये बी का वैल्यू 1 मीटर और एच का वैल्यू हमको नहीं दिया है, उन्नयन कोण दिया है थीटा 45 डिग्री। तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आपको फार्मूला थोड़ा सा याद करवा देते हैं। साइन देख लो, साइन थीटा होता है पी बटा में एच, कॉस थीटा होता है बी बटा एच, ये हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। टेन थीटा बराबर होता है पी बटा में बी। उसके बाद आगे बात करें तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो एच बटा में पी। फिर बात करें सेक थीटा का होता है एच बटा में बी। फिर बात करें कॉट थीटा, कॉट
कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा में पी, समझ में आ रहा है। तो अगर हमको यहाँ पे देखा जाए तो थीटा तो 45 डिग्री है और पी निकालना है और बी का मान 1 मीटर है, तो पी और बी में कौन सा संबंध है? तो पी और बी में या तो टैन लगाइए या तो कोट लगाइए, दोनों से चलिए। तो इसका कितना भी मेथड है लेकिन यही तो मैथमेटिक्स है। हमको इस सवाल में पी निकालना है, बी का वैल्यू 1 है और थीटा का मान 45 है, तो पी और बी में कौन सा फार्मूला है? देख लो, तो इसमें तो पी और एच का फार्मूला वाला साइन है, बी और एच का फार्मूला कोस है, तो पी और बी में कौन सा फार्मूला है? टैन, या फिर पी और बी में कॉट है, तो या तो टैन लगा सकते हैं या तो कॉट लगा सकते हैं। तो इसको दो दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, आप अगर टैन थीटा बराबर पी बटा बी लगाइएगा तो थीटा के जगह पे कितना 45, तो टैन 45 बराबर पी का मान निकालना है और बी का वैल्यू 1 है, तो टैन 45 का वैल्यू होता है 1 और पी बटा 1, इसलिए पी का वैल्यू कितना मीटर? 1 मीटर। या तो आप इसको मेथड नंबर 2 से सॉल्व कर लीजिए, पी और बी में एगो ई फार्मूला है, एगो पी और बी में एगो कॉट थीटा फार्मूला है, तो आप अगर कॉट थीटा बराबर लगाएंगे बी बटा पी, तो यहाँ थीटा कितना है 45, तो कॉट 45 बराबर बी का वैल्यू 1 और पी का वैल्यू निकालना है तो 1/p और कोट 45 का वैल्यू 1/p, इसलिए तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो पी बराबर 1 मीटर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बहुत इजी वे में बनता है, लेकिन सबसे पहले लैंग्वेज को समझना होता है, फिर उसको अप्लाई करना पड़ता है फिगर में, और फिगर जब बन गया तो आपको खुद पता चल गया कि हमें किस किस का मान दिया है। लेकिन दोस्तों फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो फार्मूला है, इन फार्मूले को ना आप अच्छे तरीके से बिल्कुल याद कर लीजिए, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में हम इन्हें ये जो फार्मूला बताया ना, इसी पे आधारित सभी क्वेश्चन है और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत। तो दोस्तों आज के लिए इतना, धन्यवाद।